हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग केबिन फीवर 2। कहानी की शुरुआत डाउन होम वाटर नाम के एक वुडन बोर्ड को दिखाते हुए होती है। ये एक कंपनी का नाम है जो पानी सप्लाई करने का काम करती है और इसका सोर्स वही लेक है जहां इन्फेक्शन फैला था। यानी कि अब डाउन होम वाटर नाम की कंपनी का पानी इन्फेक्टेड हो चुका है, जिसके बाद एक बार फिर से हम पॉल को पानी से बाहर आता देखते हैं, जो अभी मरा नहीं था पर वो पूरी तरह इन्फेक्टेड है। वो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होता है, जिसके बाद वो सीधा वहां से निकलकर उसी फॉरेस्ट में भटकने लगता है और भटकते भटकते वो एक रोड पर आ जाता है जहां सामने से एक स्कूल बस आ रही होती है, जिसको देखकर वो मदद मांगने की कोशिश करता है। पर उस स्कूल बस में बच्चों का शोर इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से बस ड्राइवर को रोड पर खड़ा पॉल दिखाई ही नहीं देता है और वो उसे बस से कुचल देता है, जिसकी वजह से पॉल की मौत हो जाती है। अब इसके कुछ ही देर बाद वहां पर डिप्यूटी विंस्टन आ जाता है, जो उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने लगता है, जिसको देखकर वो बस ड्राइवर डरा हुआ होता है। लेकिन हमेशा की तरह विंस्टन एकदम शांत है, जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। विंस्टन वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस बस ड्राइवर को बोलता है कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने एक हिरन को कुचला है। जिसे सुनकर वो बस ड्राइवर थोड़ा सा शांत होता है और वहाँ से बस लेकर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि विंस्टन भी वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है तभी उसे एक पेड़ की टहनी पर किसी का कटा हुआ पैर जूते समेत मिलता है, जो पॉल का ही था। जिसके बाद थोड़ी दूर पर उसको पॉल की एक वॉच भी मिलती है, जिसे देखकर वो कुछ सोचता है कि तभी उसके पास शरीफ का कॉल आ जाता है, जो विंस्टन को बताता है कि कई ऑफिसर उनसे पूछताछ करने आए हैं और वो ऑफिसर्स पहले केबिन गए थे जहां उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करी है, इसलिए तुम्हें जल्द यहां पर आना होगा। जिसके बाद शरीफ कॉल को कट कर देता है, पर विंस्टन समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है उन इन्फेक्टेड लोगों को मारकर। विंस्टन ने उन्हें लेक में फेंक दिया था, जिस वजह से अब उससे पूछताछ की जाएगी। वो सोच में पड़ जाता है कि तभी उसके पीछे से एक ट्रक फुल स्पीड में गुजरता है और वो वही डाउन होम वाटर नाम का ट्रक होता है, जो कि अब सीधा शहर की तरफ जा रहा है। जिसके बाद हमें एक हाई स्कूल को दिखाया जाता है, जहां डाउन होम वाटर कंपनी ने पानी की पहली सप्लाई की होती है और वहां के स्टूडेंट्स उन्हीं पानी की बॉटल्स को पी रहे होते हैं। जिसके बाद हमें दो स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जिनका नाम जॉन और एलेक्स है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि आज रात उनकी प्रॉम नाइट है और उन दोनों को अब तक कोई भी पार्टनर नहीं मिला है। वो इसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। एलेक्स जॉन को बोलता है कि तुम्हें कैसी से बात करनी चाहिए, क्योंकि जॉन कैसी को बचपन से प्यार करता है, पर ये बात कैसी को नहीं पता होती है, जबकि वो दोनों एक ही क्लास में साथ पढ़ते हैं और कैसी का अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप भी हुआ है। एलेक्स जॉन से बात कर ही रहा था कि उसे याद आता है कि वो अपना चश्मा कार में ही भूल गया है, जिसे वो लेने के लिए वहां से चला जाता है और उसके जाते ही वहां पर कैसी का एक्स बॉयफ्रेंड मार्क आ जाता है, जिसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो जॉन का गला पकड़कर बोलता है कि तुम्हें कैसी से दूर रहना होगा, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद हमें एलेक्स और जॉन को बायोलॉजी की क्लास में दिखाया जाता है, जहां पर एलेक्स जॉन से बात कर रहा होता है। वो मैरी नाम की एक स्टूडेंट की ओर इशारा करता है और जॉन को बताता है कि शायद वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि पूरे स्कूल में ये अफवाह फैली है कि वो हमेशा अपना पेट पकड़ कर रखती है। पर तभी वहां पर उनकी टीचर आ जाती है, जो कि पहले ही नोटिस कर चुकी थी कि एलेक्स क्लास के बीच में बातें कर रहा है, जिस वजह से उसे क्लास से निकाल देती है। क्लास से निकाले जाने के बाद वो स्कूल के हॉल में टहलने लगता है, जहां उसे एक स्टूडेंट दिखाई देती है जिसका नाम लिज है। वो रो रही होती है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया था, इस वजह से वो परेशान है। जहां एलेक्स उसके पास आकर बैठता है और उससे बातें करने लगता है, वो उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, जहां वो उसके साथ थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट भी करता है, क्योंकि उसे अभी तक कोई डांस पार्टनर नहीं मिली है। वो यही कोशिश कर रहा है कि शायद लिज मान जाए और उसकी डांस पार्टनर बन जाए, इसलिए वो आज होने वाली प्रॉम नाइट के लिए उसको पूछता है, पर लिज उसे मना कर देती है, क्योंकि वो नाइट में जॉब करती है। पर वो दुखी थी, तो अच्छा फील करने के लिए और अपने बॉयफ्रेंड को भूलने के लिए वो एलेक्स के साथ वहीं पर रोमांस करने लगती है। पर एलेक्स की किस्मत खराब होती है, क्योंकि लिज डाउन होम वाटर कंपनी के इन्फेक्टेड पानी को पी चुकी थी, जिससे वो इन्फेक्टेड है और अब एलेक्स भी इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि स्कूल खत्म होते ही जॉन अपने घर जाने के लिए निकल जाता है, पर तभी उसे वहां पर दो स्टूडेंट्स रोक लेते हैं। वो उससे आज रात को होने वाली प्रॉम नाइट को छोड़कर उनके साथ मूवी देखने के लिए पूछते हैं, क्योंकि उन दोनों स्टूडेंट्स के पास भी उनका कोई पार्टनर नहीं होता है। उन्हें कुछ सोचकर जॉन जवाब देने ही वाला होता है कि तभी वहां पर कैसी आ जाती है, जिसके साथ जॉन वहां से चला जाता है और वो दोनों रास्ते में बातें करते हैं। जॉन कैसी से बहुत प्यार करता है
पर उसको डर भी है कि अगर उसने कैसी को प्रपोज किया या प्रॉम के लिए पूछा और अगर कैसी ने उसे मना कर दिया तो उसका दिल टूट जाएगा, जिसके बाद उन दोनों के बीच सब कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पर फिर भी जॉन हिम्मत करता है और कैसी से प्रॉम नाइट के लिए पूछ लेता है, लेकिन कैसी जॉन को मना कर देती है क्योंकि उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और उसकी मेंटल कंडीशन अभी सेंसिटिव है, जिसकी वजह से वो मना कर रही है। कैसी का जवाब सुनकर जॉन सैड हो जाता है और अपने घर की ओर चला जाता है, जिसके बाद फिर विंस्टन को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए दिखाया जाता है। जिस रेस्टोरेंट में वो होता है उसी रेस्टोरेंट में डाउन होम वाटर कंपनी का एक वर्कर भी है, जो खाना खाते खाते अचानक से बहुत ज्यादा बीमार होने लगता है, जिसकी हालत देखते ही देखते बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वो इन्फेक्टेड है, जिसके बाद उसके शरीर से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर मर जाता है, जिसको देखकर उस रेस्टोरेंट के लोग डर जाते हैं। साथ ही में वहां पर बैठा हुआ विंस्टन भी उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो ये जानता है कि ये सब उसकी गलती का नतीजा है। वो लेक अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी, जिसका पानी अब शहर में सप्लाई हो चुका है, जिसके बाद विंस्टन उस वाटर प्लांट की तरफ तुरंत निकल जाता है। अब हमें आगे जॉन को दिखाया जाता है जो अपने घर पर है और काफी उदास लेटा हुआ है क्योंकि वो अब प्रॉम पार्टी में नहीं जा सकता था। वो डिसाइड करता है कि वो उन दोनों स्टूडेंट्स के साथ मूवी देखेगा जिसने आज उससे स्कूल के बाद मूवी देखने के लिए पूछा था, जो कि टीवी पर केबिन फीवर मूवी देख रहे होते हैं। लेकिन तभी जॉन के पास एलेक्स का कॉल आता है जो उसे प्रॉम पर चलने को फोर्स करता है। एलेक्स जॉन को मना लेता है, जिसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रॉम नाइट पार्टी होने वाली है, जिसके किचन में एक फ्रेडरिका नाम की लड़की को प्रॉम नाइट के लिए ड्रिंक बनाते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वो उसी डाउन होम वाटर कंपनी का इन्फेक्टेड वाटर ही इस्तेमाल करती है। और तभी वहाँ पर रिक नाम का एक लड़का आता है, जिसको देखकर फ्रेडरिका बहुत खुश होती है क्योंकि वो रिक को बहुत पसंद करती है। रिक उसे अपने साथ चलने को कहकर उसे वहाँ से ले जाता है और वो भी खुशी खुशी उसके साथ वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ ही मिनट्स बाद किचन में एक आदमी आता है जो ड्रिंक्स के कंटेनर में टॉयलेट कर देता है, जिसे फ्रेडरिका ने सबके लिए बनाया था। देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद वो स्टूडेंट्स से नफरत करता है इसलिए उसने ऐसा किया, और वो आदमी इन्फेक्टेड भी होता है, जिसके बाद फिर फ्रेडरिका और रिक को साथ दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग पूल के पास होते हैं। दरअसल रिक की अपने दोस्त से बेट लगी थी कि वो फ्रेडरिका के साथ रोमांस करके दिखाएगा और वो उसके साथ रोमांस कर लेता है, जिसकी वजह से वो बेट भी जीत जाता है। पर तभी स्विमिंग पूल में अचानक से फ्रेडरिका के मुंह से खून आने लगता है, जिसको देखकर रिक घबरा जाता है और उसे दूर होने लगता है। वो स्विमिंग पूल से बाहर आ जाता है और देखते ही देखते फ्रेडरिका पूल में डूब जाती है। पूरा पूल खून से भर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, जिसको देखकर रिक बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए एक स्टिक लेकर आगे बढ़ता है। पर फ्लोर गीला होने की वजह से उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसका सर फर्श के फ्लोर से टकरा जाता है, जिससे वो पूल में गिरकर उसी वक्त मारा जाता है। जिसके बाद विंस्टन को दिखाया जाता है जो उस वाटर प्लांट में है। वो वहाँ केबिन में जाकर उस लेक की वाटर सप्लाई की डिलीवरी शेड्यूल को चेक करता है, जिसके बाद उसे सब कुछ पता चल जाता है कि वो सब अब बहुत बड़े खतरे में है। जिसके बाद वो जल्द से जल्द अपने कजन हरमन को कॉल करके मदद के लिए बुलवाता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर कुछ गाड़ियों की आवाज आती है, जो कोई और नहीं बल्कि स्पेशल फोर्सेस की थी, जिन्हें देख विंस्टन वहाँ से निकल जाता है। और जब वो स्पेशल फोर्सेस के लोग उस केबिन के दरवाजे को खोलते हैं तो उसमें मौजूद लोगों पर वो लोग अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रॉम नाइट पार्टी शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर जॉन और एलेक्स भी मौजूद थे, जिनके पास अपना कोई भी डांस पार्टनर नहीं था। वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को एंजॉय करता देखते हैं, जिसके बाद फिर एलेक्स उसी ड्रिंक को पीने लगता है जिसे फ्रेडरिका ने उसी इन्फेक्टेड वाटर से बनाया था, जिसमें उस इन्फेक्टेड आदमी ने टॉयलेट भी किया था, जिसका टेस्ट एलेक्स को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, जिसे जॉन भी पीने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर कैसी आकर उसे सरप्राइज कर देती है। वो कैसी को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी, क्योंकि तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है, जिसके साथ कैसी वहाँ पर आई थी। वो आते ही सबसे पहले जॉन को धमकाता है और उसको कैसी से दूर रहने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से जॉन को बहुत गुस्सा आता है और जॉन मार्क को छोड़ एलेक्स से लड़ने लगता है, क्योंकि एलेक्स की वजह से ही वो कैसी से दूर है, जिसकी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और प्रिंसिपल वहाँ आकर जॉन को अपने साथ ले जाता है और स्कूल से बाहर निकाल देता है। मार्क को वो इसलिए कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि मार्क के पेरेंट्स बहुत ज्यादा अमीर है। रही बात कैसी की, तो कैसी ने सब कुछ देख लिया था कि जॉन की उसमें कोई भी गलती नहीं थी। वो मार्क को बहुत सुनाती है, जिसको वो चांटा मारकर स्कूल से बाहर भाग आती है जॉन से मिलने के लिए। पर जॉन बहुत दुखी है, जिस वजह से कैसी उससे बात करने की कोशिश करती है, पर जॉन उस पर भी भड़क जाता है, पर उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने दिल की सारी बातें कैसी को सुनाने लगता है कि वो कैसी को कब से चाहता है और उसके लिए क्या फील करता है। वो सभी बातें कैसी को सुना ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर स्पेशल फोर्सेज आ जाती है, जो उन्हें वापस स्कूल के अंदर जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उन सभी को पता चल चुका था कि उस लेक का वाटर इन्फेक्टेड है और उस पानी की सप्लाई सबसे पहले
पहले इसी स्कूल में हुई है और अब तक यहाँ मौजूद सभी लोगों में इन्फेक्शन फैल चुका होगा, जिस वजह से वो स्कूल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो स्कूल को सील करने लगते हैं ताकि वहाँ मौजूद सभी लोगों को खत्म कर सके, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा था। तभी हम जॉन और कैसी को देखते हैं जो स्कूल के अंदर चले जाते हैं, जिनके साथ कुछ सोल्जर्स भी स्कूल के अंदर आ जाते हैं ताकि वो अंदर बाहर के सभी रास्तों को बंद कर सके। कैसी और जॉन को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, इसीलिए वो स्कूल से बाहर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, जहां स्विमिंग पूल में उन्हें दो लाशें मिलती हैं, जिसको देखकर वो दोनों डर जाते हैं और घबराने लगते हैं। वो दोनों स्कूल से बाहर निकलने के लिए एक दूसरे गेट का इस्तेमाल करते हैं, पर स्पेशल फोर्सेस ने उस गेट को भी पहले ही बंद कर दिया था, जिसका मतलब ये था कि पूरा स्कूल सील हो चुका है। अब जॉन कैसी को बोलता है कि तुम एलेक्स को लेकर यहाँ पर आओ, तब तक मैं प्रिंसिपल को लेकर आता हूँ, तुम मुझसे यही मिलना। जिसके बाद कैसी एलेक्स को लेने के लिए पार्टी हॉल में चली जाती है, जहाँ वो मार्क को देखती है जो किसी दूसरी लड़की के साथ एंजॉय कर रहा था। अब कैसी को मार्क की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो गुस्से में एलेक्स को वहाँ से लेकर चली जाती है। जिसके बाद जॉन भी प्रिंसिपल को लेकर वापस उसी जगह आ जाता है, जहाँ वो सभी एक दूसरे से मिलते हैं और जॉन प्रिंसिपल को वो सब बताने लगता है कि उनके स्कूल में क्या हो रहा है, जिस बारे में प्रिंसिपल को भी कुछ नहीं पता था। इसीलिए वो चेक करने के लिए गेट के पास जाता है, जहाँ पहुँचने पर बाहर से स्पेशल फोर्सेज वाले उसको शूट कर देते हैं, जिससे उसकी वही मौके पर मौत हो जाती है। और ये देखकर एलेक्स, कैसी और जॉन की हालत खराब होने लगती है। वो लोग सोचते हैं कि आखिर ये स्कूल में क्या हो रहा है। वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद पार्टी कर रहे सभी लोगों में इन्फेक्शन फैल जाता है और वो लोग खून की उल्टियां करने लगते हैं, जिसको देखकर उधर हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। जिसके बाद उन सभी को पता चल जाता है कि यहाँ पर एक बहुत खतरनाक इन्फेक्शन फैल गया है, जिसके डर से अब एलेक्स, कैसी और जॉन भी खुद को चेक करने लगते हैं कि कहीं वो तो उस इन्फेक्शन का शिकार नहीं हो गए। जहाँ चेक करने पर पता चलता है कि कैसी और जॉन तो इन्फेक्टेड नहीं है, पर एलेक्स इन्फेक्टेड है, जिसके बाद वो जॉन से ये कहकर जाता है कि वो लाइब्रेरी जा रहा है और वो वहाँ जाकर इसका इलाज ढूंढेगा। उधर वॉशरूम में मौजूद कैसी को किसी के रोने की आवाज आती है, जिसे चेक करने के लिए कैसी उसके पास जाती है, जहाँ पर वो एक स्टूडेंट को देखती है जिसका नाम मैरी है, जिसके बारे में पूरे स्कूल में ये रूमर फैला था कि वो प्रेग्नेंट है। और ये बात सच थी, क्योंकि स्कूल में फैले इन्फेक्शन की वजह से उसके बच्चे की डेथ हो गई थी और कुछ ही मिनट्स में मैरी भी मरने वाली थी। जिसके बाद जॉन और कैसी लाइब्रेरी की ओर जाने लगते हैं, जहां एलेक्स था, लेकिन बीच में ही उन्हें एक सोल्जर मिल जाता है, जिससे बचने के लिए वो एक रूम में चले जाते हैं, जहां उनकी टीचर बहुत बुरी हालत में जमीन पर पड़ी होती है, जो इन्फेक्टेड है, जिसकी आवाज सुनकर वो सोल्जर उस रूम में आ जाता है और उनकी टीचर को शूट करके मार देता है। कैसी और जॉन भी वहीं छुपे होते हैं, लेकिन वो सोल्जर उनको देख नहीं पाता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब तक पूरा पार्टी हॉल एक कब्रिस्तान में बदल चुका था, जहां पर बस लोगों की डेड बॉडीज पड़ी थी। जिसके बाद कैसी और एलेक्स जॉन तक पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत बुरी हालत में होता है, और देखते ही देखते उनके सामने एलेक्स दम तोड़ देता है। जिसके बाद जॉन अपने हाथ को नोटिस करता है, जिस पर एक घाव लगा हुआ था, जिससे शायद अब वो भी इन्फेक्टेड था। अब हमें अगले सीन में विंस्टन को दिखाया जाता है, जो अपने कजन हरमन के साथ एक कार में बैठकर शहर छोड़कर भाग रहा होता है, पर कुछ दूर जाने पर उन्हें एक ऑफिसर रोक लेता है, क्योंकि वो पूरे शहर को सील कर चुके थे, जिससे अब उस शहर से कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन विंस्टन कंडीशन जानता था, इसलिए वो उस ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑफिसर उसे मना कर देता है। जिसके बाद विंस्टन मजबूरन उस ऑफिसर को पकड़कर बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से वो शहर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। अब इसके बाद एक बार फिर से हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां जॉन अब अपने इन्फेक्टेड हाथ को काटने का डिसीजन लेता है, क्योंकि उसने पढ़ा था कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका इन्फेक्शन और नहीं फैलेगा। तभी वो एक मशीन से अपना हाथ काट लेता है, जिसके बाद कैसी जल्दी से उसके हाथ को टेप से कवर कर देती है, ताकि उसका ज्यादा खून ना बहे। पर तब तक वहां पर मार्क आ जाता है, जो कैसी के सर पर एक हैमर से बहुत जोरदार वार करता है, जिसकी वजह से वो तो वहीं गिर जाती है। लेकिन मार्क जॉन को मारने की कोशिश करता है, पर तभी कैसी पीछे से उठकर उसके सर में नेल गन चला देती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जॉन और कैसी दोनों अधमरी हालत में स्कूल से जैसे तैसे करके बाहर निकलते हैं, पर उन्हें वहां पर मौजूद स्पेशल फोर्सेस के कुछ सोल्जर्स देख लेते हैं, जो उनका पीछा करते हैं। कैसी और जॉन बचते बचाते जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, ताकि वो बच सके, पर जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिस वजह से जॉन वहीं गिर जाता है और स्पेशल फोर्सेस के लोग उन्हें घेर लेते हैं, जो कैसी को पकड़ लेते हैं। और कैसी को बचाने के लिए जॉन हिम्मत करके उठता है और उन सोल्जर्स पर हमला कर देता है,
जिससे वो कैसी को तो छोड़ देता है लेकिन वो जॉन को पकड़ लेता है, जहाँ मौका पाते ही कैसी वहाँ से मदद मांगने के लिए भाग जाती है, जिसके बाद वो एक रोड पर पहुँच जाती है जहाँ सामने से वो एक वैन को आते देखती है जिसमें और कोई नहीं बल्कि विंस्टन और उसका कजन हरमन है जिनको वो रोकने की कोशिश करती है। कैसी पूरी तरह से खून में लिपटी हुई है, उसकी हालत बहुत बुरी है, जिसको देखकर विंस्टन उसे वैन में बैठा लेता है लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कैसी भी अब इन्फेक्टेड है, जिसके बाद वो सभी शहर से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो स्पेशल फोर्सेज वाले भी पहुँच जाते हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर विंस्टन हरमन और कैसी शहर से सक्सेसफुली बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद ये खतरनाक इन्फेक्शन अब पूरी दुनिया में फैल सकता है, जिसके साथ ये फिल्म और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी।